जहां यूपी में दर्जन भर मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, उनकी संख्या अब करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अपने अलग अलग चरणों में है। अभी यूपी में करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट्स, 550 ऑक्सीजन प्लांट बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। आज बनारस में ही 14 ऑक्सीजन प्लांट्स का यहां लोकार्पण भी किया गया। हर जिले में बच्चों के लिए विशेष ऑक्सीजन और आईसीयू जैसी सुविधाएं निर्मित करने का जो बीड़ा यूपी सरकार ने उठाया है वो भी सराहनीय है। कोरोना से जुड़ी नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण के लिए हाल में केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज घोषित किया है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ यूपी को होने वाला है। साथियों, काशी नगरी आज पूर्वांचल का बहुत बड़ा मेडिकल हब बन रही है। जिन बीमारियों के इलाज के लिए कभी दिल्ली और मुंबई जाना पड़ता था, उनका इलाज आज काशी में भी उपलब्ध है। यहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आज कुछ कड़ियां और जुड़ रही है। आज महिलाओं और बच्चों की चिकित्सा से जुड़े नए अस्पताल काशी को मिल रहे हैं। इनमें से 100 बेड की क्षमता बीएचयू में और 50 बेड जिला अस्पताल में जुड़ रहे हैं। इन दोनों प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मुझे मिला था। अब आज इनका लोकार्पण भी हो रहा है। बीएचयू में जो ये नई सुविधा बनी है, थोड़ी देर बाद मैं उसे देखने के लिए भी जाने वाला हूं। साथियों, आज बीएचयू में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का भी लोकार्पण किया गया है। इस संस्थान में लोगों को आंखों से जुड़ी बीमारियों का आधुनिक इलाज मिल पाएगा। भाइयों और बहनों, बीते 7 सालों में काशी अपनी मौलिक पहचान बनाए रखते हुए भी विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। पूरे क्षेत्र में चाहे वो नेशनल हाईवे का काम हो, फ्लाईओवर हो या रेलवे ओवरब्रिज हो, या चाहे तारों का जंजाल दूर करने के लिए पुरानी काशी में अंडरग्राउंड वायरिंग का सिस्टम हो, पेयजल और सीवर की समस्याओं का निदान हो, पर्यटन को बढ़ाने के लिए विकास कार्य हो, सभी में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। इस समय भी इस क्षेत्र में लगभग 8,000 करोड़ रुपए की 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। नए प्रोजेक्ट, नए संस्थान
काशी की विकास गाथा को